नमस्कार, जय जगन्नाथ। उत्कलर नाथ कालिया ठाकुर श्रीमंदिर अधिपति नीलकंदर राजा परम ब्रह्म स्वयं दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ जातिर श्रेष्ठ देवतांकर बड़ यात्रा नवदिनात्मक यात्रा आसी महाप्रभु गुंडीचा मंदिर रे अवस्थान करिछन्ति। बड़ भाई बलभद्र देवी सुभद्रांकु सांगरे नै आड़प मंडप विजय करिछन्ति चतुर्धामूर्ति महाबाहु। तेबे काहिकि आड़प मंडप यात्रा कौन रही तार पौराणिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि महाप्रभुंकर रास पाई ए गुंडीचा यात्रा रत्नवेदी को महाप्रभु वर्षक थरटे जीवा पछर कौन रही रहस्य कौन से कारण यू विषय आज अध्याय आम आलोचना करवा कहुए नीलाद्रौ दश वर्षाणी गुंडीचा मंडपे दिने दिवात दर्शन पुण्यम रात्रौ दशगुण भवेत् गुंडीचा नाम देवे से भक्ति मुक्ति फलप्रदा तस्मै कील वरंचाश्यौ ददौ सह पुरुषोत्तम। स्कंद पुराणर उत्कल खंडर 29 अध्याय श्री गुंडीचा महोत्सवर महत्व संपर्क में वर्णना कर राजा इंद्रद्युम्न कहते राजा प्रतिष्ठित श्रीमंदिर जो भी प्रीतिपद अश्वमेध यज्ञर महावेदी नृसिंह क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र तदनुरूप प्रीतिपद से सात दिन रही रथयात्रा विधान कराई एवं जगन्नाथ पुराण में महाप्रभु स्वयं इंद्रद्युम्न को से कहते गुंडीचा नामे मो यात्रा परम पावनी रथ यात्रा नामे ख्यात हेब जे अवनी कोटी ब्रह्मांडर कालिया ठाकुर ए जातिर ए परम ब्रह्म स्वयं सम्राट ए जातिर कुल देवता ए जातिर इष्ट देवता ए संप्रदाय समाज संस्कृतिर बड़ ठाकुर कालिया ठाकुरंकर बड़ यात्रा विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा एठी ऐतिहासिक सत्यनारायण राजगुरु तांक मतरे 1223 ख्रीष्टाब्दर परवर्ती समय रथयात्रार प्रचलन होता। ऐतिहासिक केदारनाथ महापात्र रथयात्रार काल निरूपण कर द्वादश शताब्दी बोली अभिहित करते तेबे श्री महापात्र मत अनुसार गंग साम्राज्यर प्रतिष्ठाता अनंत वर्मा चोड़गंगदेव पट्ट महादेवी गोंडो चोड़ निजर नाम को प्रसिद्ध कराइबापी गुंडीचा मंदिर निर्माण करते ओडिया भाषा गोंडो चोड़ गुंडीचा नाम परिचित होइथिबार ए मंडपर ना गुंडीचा मंडप एवं ए मंडप सहित संपृक्त रथयात्रा गुंडीचा नाम व्याप्त बा ख्यात रही। गोंडो चोड़ ना 1228 ख्रीष्टाब्दे द्राक्षाराम मंदिर में प्रवर्तित अभिलेखारु जमापड़ी 100 वर्ष धरी सूर्यवंशर राजा मान शासन काल में महाप्रभुंकर प्रसिद्ध घोष यात्रा अत्यंत वर्णाढ़्य भाव अनेक समय प्रचलित हो गोटे कथा रोचे ताकू आमे द्वितीय कथा कही पारिबा ताहला राजा इंद्रद्युम्न जेतेबेले निर्माण करुछंती राणी गुंडीचा को महाप्रभु शून्यवाणी होउछंती एवं कथा देउछंती अर्थात आड़प मंडपे दिने आड़प मंडपरे वर्ष को थरटी आसिबे सेठी तांकर जन्मवेदी जन्मवेदी को से थरुटिए बुलिबा पई आसिबे भाई भौणी को सांगरे नै एहि संपर्क में महाप्रभु सेठी उल्लेख करुछंती एवं महाप्रभु गुंडीचा को से प्रतिश्रुति देउछंती गुंडीचा को बर देउछंती जहाँ वर्षक थरुटी आसिबे यह पौराणिक मतवाद। एक क्षेत्र में कहुए जे रसशेखर श्रीकृष्ण अवतार होउछंती स्वयं जगन्नाथ स्वयं महाप्रभु रसशेखर जेतेबेले श्रीकृष्ण लीला जहाँ रचि अर्थात त्रेतया जुगरे प्रीतिपर्वर महार्घ चेतना बा आह्लादिनी शक्ति होउछंती श्रीराधा तांकर आकांक्षा को अक्षर अक्षर पालिबापाई कलि जुगरे कालियारे लीला भागवत से यथार्थ रे कहा जाइछि जहार भाव ताकू देई मूलरु दाढ़े न छाड़ यही संपर्क में आज अध्याय आमर स्वतंत्र आलोचना एवं जहार आज शीर्षक रही गुंडीचा यात्रा गुप्त राश पाई महाप्रभुंकर श्रीगुंडीचा यात्रा पालन संपर्क में बहुविध तथ्य उपस्थापन करिछंती विभिन्न गवेषक भिन्न भिन्न समय ऐतिहासिक मैंने मत उपस्थापन करिछंती जन्मवेदी को महाप्रभुंकर यात्रार पछरे रही कौन कारण ता सहित कहीं अनेक समय बहु लोक कहते हैं गुप्त वृंदावन ये हूँ गुप्त श्रीक्षेत्र महाप्रभुंकर लीला महाप्रभु जिते राजेश्वर बेस दर्शन देखते रत्न सिंहासन में अर्थात सेठी भक्त झुलुची महाप्रभु जिते आड़प मंडप को आठ
महाप्रभु भक्त को झुरुचंती, श्रीराधा को झुरुचंती, से भाव से परिवेश आत्मा परमात्मार मिलन से संपर्क में उल्लेख करुछंती विभिन्न गवेषक। तेबे जे विशिष्ट सेवायत अछंती तांकर मध्ये प्रतिक्रिया नवा, अर्थात काही की ए जापा जगन्नाथ महाप्रभु रहला ये जन्मवेदी जिते महाप्रभु निजे प्रतिष्ठा करते इंद्रदमना राजा महाराज से महाप्रभुकर जो इंद्रदमना राजा जो भक्ति भाव जो भाव में कलिजुगर देवता भाव में जगन्नाथ महाप्रभु प्रतिष्ठा कले से जगन्नाथ महाप्रभु निजे से स्वयं कही राणी गुंडीचा राणी की शून्यवाणी होता जे मोर ये जन्मवेदी की मोर नवदिन जात्रा करवाई से गुंडीचा राणी की से प्रतिश्रुति प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मस द्वितीय कृष्णपक्ष द्वितीय दिन महाप्रभु रथजात्रा हुए से रथजात्र महाप्रभु निजे स्वयं देणी की रक्षा करने सत्य को रक्षा करने आसिक महाप्रभुकर ये कार्य करेणुक नवदिन जात्रा या द्वारा आहरी विशेषित हो आड़प मंडप दर्शन करवा जहाँ श्रीमंदिर सहस्रन दर्शन करवा तार मूल्य न था आठ आहरी गोटे विशेषित रोचे भक्त मैंने आसिक महाप्रभु को दर्शन करेंगे कृपा लाभ करने सहित अन्न महाप्रसाद पितृपुरुष उपलक्षे ब्राह्मण मानक अर्पण करोर पितृपुरुष भी उद्धार होता महाप्रभु श्री जगन्नाथ बाहुड़ा जात्रा आड़प मंडप जात्रा यही समय नाकचणा द्वार उल्लेख रही गुंडीचा मंदिर उल्लेख रही श्रीक्षेत्र आम चार द्वार देखी पूर्व दिग पश्चिम दिगरे द्वार उत्तर द्वार दक्षिण द्वार सिंह द्वार अश्व द्वार एवं आउ हस्ती द्वार एवं सहित व्याघ्र द्वार किंतु गुंडीचा मंदिर में चारिटी नुहे तीनिटी द्वार रही एगुड़िक होती अर्थात द्वार नामकरण यह भाव में करावती द्वार नाकचणा द्वार एवं धुकुड़ी बा छोटिया जो द्वार रही धुकुड़ी द्वार कहुए हारावती द्वार को सिंह द्वार कहुए सम्मुख भाग द्वार संपर्क में ये उल्लेख ना ये सबू द्वार ऐतिहासिक संपर्क रोचे नाकचणा द्वार दे प्रस्थान करती महाप्रभु पौराणिक मतवाद अनुसार निजर नाकचणा बिकी से द्वार निर्माण कराई से राणी से अनुसार कहगला नाकचणा द्वार यह कहुए जे लक्ष्मी सांतानी जितेबले हेरा पंचमी से गुंडीचा मंदिर आसिले से द्वार निकटे अलंकार अर्थात नाकचणाटीए खसी पड़ा से ही अनुसार से द्वार नामकरण करागला यह हूँ नाकचणा द्वार इने गवेषकों आशीर्वाद एवं महाराज जी अच्छा प्रतिक्रिया से उपस्थापन करनेक समय विशेष भाव में जी आम देखा श्री जगन्नाथ संस्कृतिर ये गोटे बड़ मूल्यबोध जहाँ से प्रतिक्रिया रखुच गुंडीचा मंदिर आपको आमर ऐतिहासिक मानक मतरे राणी गुंडीचा ना अनुसार या नाट हो गुंडीचा मंदिर एवं गुंडीचा शब्द अन्य अर्थ हो कौन ना जो जगार जगन्नाथ महाप्रभु जन्म होता से जगह गोटे जन्मवेदी या जो राजा इंद्रदुम्न मंदिर को तैयारी करते तो आम मैंने समस्ते जाचे एक दिन कथा दे कि माँ गुंडीचा प्रेम चौदह दिन में खुली दे भगवान से मंदिर तो यही सारा जगतटा गुंडीचा राणी की आज्ञा निंदा कला एवं आम ओडिया कथा अच्छे जे स्त्री कथा जगन्नाथ खंडिया आम बेले बेले पुरुष मैंने सब कहते कि प्रकृति से ही नुह जगन्नाथ प्रतिज्ञा कले कले गुंडीचा आज ठार तुमको अपमान करेनि ओलटी तुम नाटा को जी स्मरण कर तुम मंदिर को जी दर्शन कर तार अनंत जन्मर पुण्य हे गुंडीचा गुंडीचा नाम कले उच्चारण तार शतजन्म पाप हुए ही दहन आवय जो द्वार आपण मैंने दर्शन करेंगे जगन्नाथ द्वार हूँ आज्ञा चारिटा द्वार पूर्व द्वार पश्चिम द्वार उत्तर द्वार दक्षिण द्वार किंतु गुंडीचा मंदिर में तीनोटी द्वार आज्ञा गोटे हूँ हारावती द्वार बोली जहाँ कह जाए सिंह द्वार नाकचणा द्वार आ गोटे छोटुआ द्वार धुकुड़ी द्वार बोल कहते कहीं गुंडीचा मंदिर में मुख्यर द्वारा ना केवल धर्म अर्थ कामर द्वार अच्छी नाकचणा द्वार कहार उद्देश्य कौन ना दु प्रकार विशेषतः मत आसे जे अनेक कहते राजा पत्नी निजर नाकचणा अर्थ को बिकि जो दिवर द्वारटी तैयारी कले नाटा हूँ नाकचणा द्वार आम पौराणिक मतरे आमर पुराण शास्त्रकार मतरे लक्ष्मी सांतानी जो हेरा पंचमी दिन जगन्नाथ महाप्रभु लक्ष्मी भावुले कौन जे मत बाहर प्रभु निश्चिंत मत झुरुवे कि देखिले रास उत्सव में भगवान आनंद लीला करूँ लक्ष्मी को क्रोध है बोले मुँह गोटे झुरी झुरी मो दिन गला ये आसिक आनंद उपभोग करुच्चे यही लक्ष्मी कूप कर पलि आसला बेले
ତାଙ୍କର ନାକଚଣାଟା ସେଇଠି ଖସି ପଡିଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱାର ନା ହଉଛି ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର। ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରର ଏଥିଲା ରହସ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବମୟର ପରିବେଶ ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳିଆ କାଳିଆ ଠାକୁର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଭାବ ବିନୋଦିଆ। ନୀଳାଚଳ ରୂପତୀ ଭକ୍ତର ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଲୀଳା ଲଗାଇବାକୁ ତ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ଗବେଷକମାନେ ତାଙ୍କ ମତରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୌରାଣିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଧାଦେବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ପ୍ରାଣ, ହେ ପ୍ରିୟ, ପୁନର୍ବାର ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏ ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ ହୋଇପାରିବନି? ଏ ଭାବଭକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର କଥା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ କାଳିଆ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ହେବ ଏବଂ ସେଇଠି ଦେଖା ହେବ ସଖୀ। ଏ ନଅ ଦିନକୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଏ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାକୁ ପୁରା ଜଗତ ଝୁରେ, ଦୁନିଆ ଝୁରେ ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା ଲଗାଇ ଭକ୍ତର ଭାବନାକୁ ତଲ୍ଲୀନ କରୁଛନ୍ତି ମହାବାହୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତି ରସରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଗୌଡ଼ିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୃନ୍ଦାବନର ରାଗ ଏଠି ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନର ଭାବନା ଏଠି ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରଥରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ଗୌଡ଼ିୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ସାମିଲ ହେଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଳେଇବେ, ପୁଣି ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଳେଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଭାବଭକ୍ତି ରସ ଆଉ ସେଠି ମିଳିବନି। କାରଣ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମର୍ପଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଧ ହୁଏ ପୁନର୍ବାର ଆରଥରକୁ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା। ଇଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ, ଗୌଡ଼ିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୌଡ଼ିୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଇଏ ଏକ ଧାରଣା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ରାସ ରଚନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଭାବ ତାକୁ ଦେଇ ମୂଳରୁ ଦାଢ଼େ ନ ଛାଡ଼ଇ। କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ରୀତି ପର୍ବର ମହାର୍ଘ ଚେତନା ଏବଂ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା। ତାଙ୍କରି ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି କଳିଯୁଗରେ କାଳିଆର ଏ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଭାବଭକ୍ତିର ପରିବେଶକୁ ରାସ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱାପରର ସେ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଠି ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ ଲୀଳାକୁ ଯାହା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଏଠି ନିଭାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ, ଏକ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଏବଂ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରୁ ଦଶ ବର୍ଷ ଆଣି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପେ ଦିନେ ଦିବାତି ଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟଂ ରାତ୍ରୁ ଦଶ ଗୁଣ ଭବେତ। ରାତିରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ କିମ୍ବା ଗୁଞ୍ଚା ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ, ଶହେ ଥର ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ, ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଆପଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠି ପାଇବେ। ଆଉ ନୀତିକାନ୍ତି ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି କେବଳ ଭାବର କାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ରାଧା ଭାବ ପାଇବେ। ରାଧା ଭାବ ମାନେ ଗୋଟେ ବିରହର ଭାବ, ଗୋଟେ ବିଧଗ୍ଧ ମନର ଭାବ। ସେଠି ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜେ ମୋର ସୋଫା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏସି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ବିରହରେ ଭାବରେ ଥରେ ଆସିଗଲା ମାନେ ଯାହା ଅଛି ଚଳେଇଦେବା। ତେଣୁକରି ସେଠି ଗୁମୁଟି ଘର ଭିତରେ ଯାହା ମାଉସୀ ରୋଷେଇ କରିକି ଦିଏ ରାଧାରାଣୀକି ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ହେବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ନିଜେ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠି ମହମୁଦଗର ଚୂନ ବିମଳାଙ୍କଠୁ ନେଇକି ପକେଇବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂକ୍ଷେପ କରିବେନି। ପତ୍ନୀ ପତନତେ ତାର ଏତେ ଇତି ପତ୍ନୀ ଯିଏ ପତନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକା ଗୋଟେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ, ମୋର ଆଖିର ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆଖିର ପ୍ରେମିକା ହେଉଛି ଆଖିବାର ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରେମିକା ଗୋଟେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଯିଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଅଛି। ତେଣୁକରି ବିରହର ଭାବ ପୁରୁଷ ଯେମିତି ବିରହ ବେଦନା ସହେ ଆଉ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଦିନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରା ବିରହ ବେଦନାରେ ଯାଇଛନ୍ତି,
विरहरे जाइछंती राधाराणी की वर्ष वर्ष धरी झुरीछंती केमिति मु राधाराणी की पाइबी सेठी निकुंज कानन रे से राधाराणी सहित मिलन हेबी आ सेठी बहुत गुडे आपन को आड़प गुंडीचा वडा ठु आरंभ करी विभिन्न कार्यक्रम होय से तो ता एते रसमहीन थाए जहाँ प्रभुंकर बनक लागे हेई गला परे आपन देखिबे जो माधुर्य रूप प्रभुंकर देखिबे जेमिति ता भीतर से का को खोजुछंती गुंडीचा मंदिर आपण खोजिबार भावटा पाइबे किंतु जगन्नाथ श्रीमंदिर आपण पाइबे तांकु के खोजुचंती आपण गुंडीचा मंदिर पाइबे सी का दोळे च दोळ गोविंदम चापे च मधुसूदनम रथित वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म रवि ई हूँ महाप्रभुंकर लीला चर्म चक्षुरी जे थरुटिए महाप्रभुंकर रथ उपरे देखिथि सब वर्ष से कहुए यह हूँ पतित उद्धार जात्रा प्रत्येक दिन महात्म्य प्रत्येक दिन स्वतंत्रता अनेक समय आम उपलब्धि कर श्री गुंडीचा जात्रा रे द्वादश जात्रा यह हूँ महार्घ पर्व यह हूँ सबुठ बड़ पर्व यो नवदिनात्मक जात्रा नौ दिन जन्मवेदी को जवा समय महाप्रभुंकर रास ये देखा मिलूँ मानवीय मूल्यबोधर यह अपूर्व लीला को जगत झुरुची गुप्त श्रीक्षेत्र लीला लग भक्तर भावना को तल्लीन करती महाबाहु महाप्रभु श्री चैतन्य अनुगामी माने महाप्रभुंकर यही समय रथरे रसरे उपासना करती रथरे उपासना करती महाप्रभु को उपासना करती से कारण वृंदावन अर्थात एटी से उपलब्धि करती वृंदावन भ्रम सृष्टि करुच्ची महाप्रभुंकर ए वर्तमान समय श्री गुंडीचा जात्रा किंतु प्रभु जितेबले बाहर सेतेबले प्रभुंकर लीला लगे दिंती भक्तों मध्य पुणी थे बाहुड़ी आसती बाहुड़ा जात्रे एवं ता परवर्त समय पुणी थे फेरी जाती रत्न सिंहासन को निजर प्रिय भक्तजन को दर्शन देवाई जो लीला व रास रहस्य उपरे गवेषक मैंने आहुरी भिन्न भाव में तर्जमा कर श्रीमंदिर भगवान मोर गोटे राजराजेश्वर भाया लगती राजा भाया लगती किंतु गुंडीचा मंदिर खाली पाखु आज आपणार भाया लगती कारण कौन ना गुंडीचा मंदिर हूँ गुप्त श्रीक्षेत्र गुप्त वृंदावन बोलिए कहते यही चैतन्य महाप्रभुंकर जतेक संप्रदाय से माने गुंडीचा मंदिर पूर्वर बहुत आनंदर सहित जगन्नाथ रथ को टाणिक नहीं पलि जाती आहुड़ा दिन कौन से गौड़ीय वैष्णव को आपड़ पाइबे कहीं कहले गौड़ीय वैष्णव मान धारणा आम कृष्ण को आम सिना वृंदावन को आणिक पलि आसबू कि वृंदावन छाड़ा जीवन जितेबले गुंडीचा मान बाहुड़ा दिन भगवान प्रत्यावर्तन करेंगे ताकि वैष्णव भक्त मैंने विचार करती वृंदावन रु भगवान मथुरा को जाइवर दृश्य जहाँ से दृश्यटा हूँ से गुंडीचा मंदिर हूँ गुप्त वृंदावन आ जगन्नाथ राधाकृष्ण मूर्तिमंत विग्रह गोटे अंग आउ डबल अंग ही नहाँ त्रेतया युग राम सीता ही द्वापर युगर राधाकृष्ण हेले किंतु कलि युगर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अंगटा हूँ धवल वर्ण अर्थ राधाराणी मुखटा हूँ कृष्णंकर वर्ण यही जगन्नाथ हूँ राधाकृष्ण मूर्तिमंत विग्रह आड़प मंडप सी हूँ गुप्त वृंदावन तेणु से आड़प मंडप जगन्नाथ को दर्शन कले वृंदावन को दर्शन करार फल मिले भक्त को भी लिखिले आमर अच्युतानंद महापुरुष कहे महाप्रभु वृंदावनटा कौटे कि उत्तर भारत वृंदावन नुह कहे सत्य कि ए जीव जीव वृंदावन जाई स्थान पाइब हे राधा गोविंद अर्थ वृंदावन हूँ गुंडीचा धाम मत छाड़ी आप आसिक पुणी से पुणा वृंदावन कथ क्लिया करेणु ये सज्जन आगुक आसब हेरा पंचमी लीला आपण मैंने दर्शन करें ये अभिमानी महालक्ष्मी क्रोधर कारण कौन ना लक्ष्मी कले मो भाया स्त्री की छाड़ी मो भाया जगत ठाकुराणी की छाड़ी तुम से पुणा कथा वृंदावन कथ पुणी मन पड़ू तुम्हें पलि जाऊ वर्ष को थे लेखे तेणु हे सज्जन जगन्नाथ महाप्रभु जहाँ कथा देते द्वापर युगर जहाँ कथा देते गोपी मानक गोपाल मानक से कथा को परिपूर्ण करवाई गुंडीचा मंदिर में महाप्रभुंकर ये रास उत्सव लीला रास अर्थ कौन आत्मा सहित परमात्मार मिलन भक्त सहित भगवान मिलन जीव सहित परमर मिलन ये लीला करने को महाप्रभु आसुच्च जय जगन्नाथ जगतर नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ ओडिया जातिर ओडिया प्राणर कोटी ओडिया हृदय देवता से जगन्नाथ रथजात्रा घोष जात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि अनुष्ठित हुए सारा विश्व में पखापाखि देढ़श रु अधिक देश में यह पालन कर महाप्रभुंकर जो वैशिष्ट वैचित्र्य जो अनन्य परंपरा रही भितर गोटे बड़ है गुंडीचा बेदी को महाप्रभुंकर जो लीला खेला चैतन्य चरितामृत ग्रंथरे वर्णना कर श्री चैतन्य पार्षद मान सहित रथजात्रा समय गुंडीचा मंदिर मार्जना करुले
छोट बड़ मंदिर मार्जना एवं शोधन परे जगमोहन को परिष्कार करुथिले। से कहिछंती गुंडीचा मंदिर रे गेलो करित मार्जन प्रथमे मार्जनी लवा करिले शोधन, अर्थात ये हूँ महाप्रभुंकर यात्रा, मो कालियार यात्रा, मो ठाकुरंक यात्रा, मो आराध्य देवतांक यात्रा, मो प्रभुंकर यात्रा। एवं से सेठी लुटी पड़िछंती श्रीगुंडीचा मंदिर रे ए जो गौड़ीय परंपरा बा गौड़ीय वैष्णव श्रद्धालुंकर ये जो पंचदश ख्रीष्टाब्दर परवर्ती समय स्थिति, अर्थात जेतेबेले से आसीछंती भगवान को चर्मचक्षुरे सामना रे देखि तल्लीन होइछंती, अनुभव करुछंती स्वयं भगवान तांको सामना रे विराजित। एठी को जिए भी आसीछंती श्रीक्षेत्र को श्रीमंदिर को पुरी को जिए भक्त जो रूप से आसी थाउ ना काहे कि से महाप्रभुंक ठारे जगन्नाथंक ठारे स्वयं देवतांकु पाइछंती, किए गजानन बेशरे तांको देखिछंती, पुणी किए तांकर सुवर्ण बेश देखिछंती। पतित उद्धार यात्रार ये हेउछि वैशिष्ट्य, तीन रथ श्रद्धा बाली उपरे रहिछंती महाप्रभु आज पहंडी रे गले। एवं जेतेबेले महाप्रभु धाड़ी पहंडी रे आसंती गोटी पहंडी रे जानती, अर्थात देउलरु जेतेबेले बाहरंती धाड़ी पहंडी रे जानती जेतेबेले गोटी पहंडी रे, एवं एइठी तांकर नवदिनात्मक यात्रार लीलाखेला करिवे। आहुरी से जो महाप्रभुंकर रस रहस्य से जो गुप्त रास पाई काही गुंडीचा यात्रा बा कौन रही तार वैशिष्ट्य ताऊपर मध्य आलोकपात करिछंती गवेषक माने। ए आराध्य देवतांकर किभली भावरे ए लीलार वैचित्र्य, किभली भावरे लीलार वैशिष्ट्य, एवं जहाँ कहा जाए अर्थात यथा देहे तथा देवे, मनुष्य देहरे जहाँ किछि घटुछि आम मानक सहित जहाँ होछि देवतांक सहित मध्य सेया होछि, कारण ई होछंती मानव आउ भगवान भक्त और भगवान मध्य संपर्क सेतु सीधासलख संपर्क ये गवेषक प्रतिक्रिया रखुच। स्नान गुंडी चाहेनी स्वयं लीला जारो पतित पावन अर्थु प्रसाद हुआ। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ महाप्रभु यही बोधे विश्व विस्मय जगतर विचित्र ठाकुर यही प्रत्येक भक्त जगन्नाथ को दर्शन करने को जाऊला बेले एवं ब्रह्मांड जगह जिते देवता मूल विग्रह के छाड़ी पदाक आसती जगन्नाथ महाप्रभु आउ पदाक आसती, कारण कौन ना केवल पतित मान उद्धार करने जो नौदिन आम पवित्र गुंडीचा यात्रा जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र आड़प मंडप कथ आम श्रवण करुचे। आड़प मंडपर अन्य नाम हूँ आड़म्बर मंडप, अर्थ जे जगन्नाथ महाप्रभु सी हूँ भगवान कृष्णंकर मूर्तिमंत विग्रह। आपण मानक भागवतर से पुरातन अध्याय को नहीं जी जो भागवतरे भगवान को राधाराणी की छाड़ी आसवाक पड़ा मथुरा को, कारण धर्म को रक्षा करने अधर्म को विनाश करने भगवान बारंबार एमती मर्त्यमंडल जन्मलाभ करम अवतारे जानकी माँ को निर्वासन दे आ वृंदावन में लीला करने माँ राधाराणी की परित्याग कर भगवान मथुरा को द्वारिका को आसिले। जिते आसिले तो राधाराणी भगवान को प्रश्न कले कले प्रभु ये सब बेले कौन आम एमती अलग अलग होता आम विच्छेद खाली हो थो तो भगवान से गोटे सुंदर कथा कहले रासमंडल कहे राधाराणी मु प्रतिज्ञा करुची प्रतिज्ञा करुची निकुंज कानने कलीरे कालिया गुंडीचा मंदिर आड़प मंडपे नित्य रास आरंभी। तो से जगार भगवान कृष्ण माँ राधाराणी की कथा देते जे जितेबले कलिजुग में मुझ दारुब्रह्म रूप से विराजमान करी समस्त भक्त मानी मु श्रीमंदिर अवस्थान कले तम स्मृति की मन पकवाई वृंदावन भाव को मन पकवाई मु वृंदावन में तुम सहित रास उत्सव हम जार नाम हम गुंडीचा उत्सव आड़प उत्सव हम यही शास्त्रकार मैंने कहते जे नीलाद्रु दश वर्षाणी आड़प मंडप दिन अर्थ कौन रास मंडप भगवान को दर्शन करार पुण्य जहाँ दस वर्ष आपण को नीलाद्री कटक दर्शन कले से पुण्य मिलेनि। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो मुदा भीरि नाजि बदन कमलास्वाद मधुप रमा शंभुर ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामीश्च नयन पथगामी भवतु। महाप्रभुंकर लीला विचित्र एवं गुप्त श्रीक्षेत्रर कथा गुप्त वृंदावनर कथा ये रास भक्तिर कथा एवं विशेषकर महाप्रभु जितेबले ए जाति को श्रेष्ठ करिछंती संस्कृति को श्रेष्ठ करिछंती यात्रा को श्रेष्ठ करिछंती सबकिछि नित्य नैपुण्य सुंदर भाव में परिचालित होती। आशा करुछु आज अध्याय आपण मानक निश्चित भाव में फल लगे
महाप्रभुंकर पुणी आउ किछि नुवा नुवा तथ्य एवं श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर आउ किछि तथ्य सहित पुणी एक नुवा अध्याय आपण मानक सहित देखा हबो। आज अध्याय को एठ रखिबा, विदाय दियंतु, शुणि नियंतु सुंदर भजन। भकत विदूर साग भजा दे तो साई पारिला मन मुझे ते दरब जाचिले काहिकि मुझे ते दरब जाचिले काहिकि न छुअ हे भगवान न छुअ हे भगवान दासिया बाउरी कित पकरिला ता श्री फल हस्ते नेला बंधु बोली कही बंधु महांती कु भोग थाली जाची देला तुमे परा से ही भाव बिनु दिया तुमे परा से भाव बिनु दिया मो पाई किया भकत विदूर साग भजा दे तो साई पारिला मन तो साई पारिला।